एवरीवन hey यह है वॉइस विद मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ इस हिंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ करियर रिलेशनशिप्स पर्सनल फाइनेंस सक्सेस फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय जहन में आता है हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड वॉइस विद वारिकू पता नहीं अगर आप टेनिस खेलते हैं कि नहीं या गेम को फॉलो करते हैं कि नहीं टेनिस की स्कोरिंग ना बड़ी अनयूजअल सी है तो हम जीरो जीरो से शुरू करते हैं दो ओपोनेंट होते हैं एंड जब एक इंसान जीतता है तो स्कोर वन जीरो नहीं होता है फिफ्टीन जीरो हो जाता है पता नहीं वो पंद्रह पॉइंट कहाँ से जीत गया पर पंद्रह जीरो हो जाता है अगर वो इंसान फिर से एक और जीतेगा तो वो थर्टी जीरो हो जाता है जीरो को टेनिस में लव बुलाते हैं तो फिफ्टीन लव थर्टी लव फिर उसके बाद एक और पॉइंट जीतता है तो फोर्टी लव एंड फिर एक और पॉइंट जीत के वो गेम जीत जाता है लेकिन एक ही इंसान तो सारे पॉइंट नहीं जीतता रहेगा तो ओपोनेंट भी जीतेगा तो ऐसा हो सकता है कि 15 लव से शुरू हुए फिर 15 ऑल हो गया मतलब 15 15 फिर एक और पॉइंट जीते तो 30 15 हो गया फिर एक और पॉइंट तो 30 ऑल हो गया फिर एक और पॉइंट तो 40 30 हो गया एंड फिर जो भी 30 ऑल मतलब 30 30 का जो स्कोर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक मकाम होता है क्योंकि उस पॉइंट पे जो भी शख्स अब नेक्स्ट पॉइंट जीतेगा वो फोर्टी थर्टी हो जाएगा एंड विल हैव अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्योंकि वो एक ही पॉइंट दूर है पूरी गेम जीतने से And इस ऑल के पॉइंट को प्रेशर पॉइंट बोला जाता है इन टेनिस, प्रेशर पॉइंट इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों प्लेयर्स सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे होते हैं नो कि यार यही एक पॉइंट है थोड़ी सी भी अगर चूक हो गई थोड़ा सा भी अगर हम डगमगा गए तो दूसरे इंसान को एक पॉइंट और मिल जाएगा एंड दे विल बी क्लोजर टू द गेम्स विक्ट्री एंड ये देखा गया मैं रोज टेनिस खेलता हूं तो ये थर्टी ऑल का जो प्रेशर पॉइंट वाला सिनेरियो ये मैंने बहुत बार अनुभव किया कि है चाहे आप जीत रहे हो हार रहे हो जितनी दूर हो जितनी पास हो हर गेम के तीस ऑल पे एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है जहां आपको पता है कि यार एक पॉइंट ना बड़ा जरूरी हो गया एंड इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ डू और डाई सिचुएशन या करना है या मरना है एंड व्हाट आई रियलाइज इस जिंदगी में कितने सारे ऐसे ही सिमिलर प्रेशर पॉइंट होते हैं एक इंटरव्यू को ले लीजिए एक इंटरव्यू तो एक इंटरव्यू है अगर आप पास हो गए तो नौकरी मिल जाएगी नहीं हुए गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपके जहन में ये बात बैठी हुई है कि ये इंटरव्यू ना आपका आखिरी इंटरव्यू है आपके पास कोई और शॉर्टलिस्ट नहीं है कोई और ऑफर नहीं है कोई और अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन नहीं है तो अगर ये इंटरव्यू नहीं हुआ ना दोस्त तो फिर तो नैया डूब गई तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक प्रेशर पॉइंट में पाएंगे एंड उस पॉइंट पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है आपका रेजिमे कितना अच्छा है आप कौन से ब्रांड से आ रहे हैं क्या किया है कुछ नहीं क्योंकि आप अपने सर के ऊपर इतना प्रेशर डाल चुके हैं कि आप सिर्फ एक ही चीज बोले जा रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है द सेम थिंग विद एन एग्जाम आप एक एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम है जितना आता होगा उतने नंबर आएंगे पास हो गए तो पास हो गए कम नंबर आए तो शायद फिर से दे सकते हैं या आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर यही एग्जाम बहुत सारे अटैम्प्ट के बाद है शायद आपका आखिरी अटेम्प्ट है या आप महीनों सालों से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि यार इस बार अगर नहीं हुआ ना तुम शायद मैं फिर से ये पूरा प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा इट बिकम्स अ प्रेशर पॉइंट आपने अपने दिमाग में अपने जहन में इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया है शायद बड़ा है भी लेकिन वन थिंग दैट इज फैसिनेटिंग टेनिस में प्रेशर पॉइंट के मकाम पर यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं कितने स्किल्ड प्लेयर हैं कितने केपेबल प्लेयर हैं फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ता है कि मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है प्रेशर पॉइंट पे स्किल भाड़ में गया मेंटल स्ट्रेंथ इस द ओनली थिंग दैट गेट्स यू बियॉन्ड दैट प्रेशर पॉइंट यही जिंदगी में भी लागू होता है जहां भी जिस मकाम पे भी जिस मोड पे भी आपको एक प्रेशर पॉइंट महसूस होगा उस पॉइंट पे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं कितना जानते हैं कितने दिग्गज हैं कितने स्किल्ड हैं कितने एक्सपीरियंस हैं कितना कमा रहे हैं कौन सी कंपनी में हैं कितना पढ़े हैं कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे हाउ आर एबल टू होल्ड योर आप अपने दिमाग में कौन कौन सी कहानियां बुन रहे हैं अपने आप को क्या बोल रहे हैं वही चीज आपको आगे ले जाएगी एंड अगर आप देखेंगे हर एक माहिर प्लेयर हर एक एथलीट हर एक प्रोफेशनल जो सक्सेसफुल बना है वो इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वो स्किल्ड थे या सबसे ज्यादा केपेबल थे हाँ ऑफकोर्स स्किल बहुत जरूरी है केपेबिलिटी बहुत जरूरी है उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन वो इसलिए आगे पहुंचे क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो सबसे स्किल्ड और केपेबल इंसान के पास भी शायद नहीं है अगली बार जब आपको पता है कि जिंदगी में एक प्रेशर पॉइंट आने वाला है बनने वाला है तो जितना ध्यान आप अपनी प्रिपरेशन में देते हैं अपने स्किल पे देते हैं अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे देते हैं उतना ही अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी दीजिए उस लम्हे में अपने आप से जो आप बोलेंगे जो कहेंगे जिस हिसाब से आप अपने आप को उठाएंगे उसको रिपीट करिए उसको भी प्रैक्टिस करिए क्योंकि उसी से आप इस प्रेशर पॉइंट को जीत पाएंगे और इस गेम को जिसको हम जिंदगी कहते हैं जीत पाएंगे ऑल द बेस्ट अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर